आखिर बहन जी से क्या नाराजगी हो गई कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया? अब ये तो पत्रकारों का काम है कि वो उसको एनालाइज करें। डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद इज अ क्रिमिनल एक्ट, क्योंकि देश की मेजोरिटी की आस्था का सवाल है। आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट। लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स में हमारे साथ सांसद दानिश अली मौजूद हैं। सर, आपको अवार्ड से नवाजा गया है, बहुत बहुत बधाई, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा लोकमत ग्रुप का कि जिन्होंने ये परंपरा शुरू करी, आज 5वां एडिशन है। शुक्रिया मेरे अमरोहा क्षेत्र की जनता ने कहा कि उन्होंने मुझे चुन करके यहाँ भेजा, और हमने लोकसभा में आने के बाद इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़े, दलित, अकलियतों की आवाज़ उठाने का काम किया, जो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने जो सपना देखा था देश का, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोकसभा के अंदर जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये अवार्ड लेकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक बार फिर लोकमत ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जब आपको अवार्ड दिया जा रहा था, तब ये कहा जा रहा था कि आप हमेशा अपने भाषण से, अपने सवालों से सत्तारूढ़ दल को नाराज करते हैं, लेकिन आखिर बहन जी से क्या नाराजगी हो गई कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया? अब ये तो पत्रकारों का काम है कि वो उसको एनालाइज करें, ये मेरा काम नहीं है। कि मेरा काम है कि मैं इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की आवाज़ बन सकूं, वो काम मैंने संसद में किया है। कौन नाराज़ होता है, कौन खफा होता है, मुझे इसकी ना पहले परवाह थी, ना आज परवाह है, ना आगे परवाह रहेगी। क्या आप सत्तारूढ़ दल को नाराज करना बरकरार रखेंगे, लेकिन अब पार्टी कांग्रेस हो जाएगी? मैंने कहा कि मैं अपने कॉन्शियस के आधार पर इस देश का जो दबा कुचला समाज है, जो बेजुबान है, उसकी जुबान बन करके उसकी आवाज़ उठाने का काम मैंने किया है और आगे भी करूँगा। कौन नाराज़ होता है, कौन खुश होता है, इसकी परवाह ना मैंने पहले कभी की थी, ना आगे कभी करूँगा। एक आखिरी सवाल, राम मंदिर और ज्ञानवापी, इनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया तो उसमें साफ कहा गया कि डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद इज़ अ क्रिमिनल एक्ट, और कोई सबूत वहाँ इस चीज़ के नहीं थे कि वहाँ पर कोई पहले मंदिर था। लेकिन क्योंकि देश की मेजॉरिटी की आस्था का सवाल है, आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दिया। लेकिन आज जो ज्ञानव्यापी और दूसरी चीज़ों को लेकर के जो हो रहा है, अभी मेहरौली के अंदर 4 दिन पहले DDA ने एक मस्जिद डेमोलिश की, तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1990, उसको इम्प्लीमेंट करने की सख्ती से ज़रूरत है, वरना ये पंडोरा बॉक्स खुल गया है, ये कहाँ लेकर के जाएगा, ये देश की तरक्की में रुकावट है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका।